परमेश्वर मुखिया जो अभी है वर्तमान में वो अभी तक नहीं आया है। सीताराम महतो जो अभी सरपंच है वो भी नहीं आया, वो भी हमारे वर्तमान में है। अच्छा। जिला पार्षद विजय भाई वो भी नहीं आए हैं। पंचायत समिति वो भी नहीं आए। प्रमुख साहब जो नानपुर प्रखंड से है वो भी नहीं अभी तक आए हैं यहाँ पे। और मुकेश कुमार विधायक जो हमारे बाजपट्टी के हैं वो भी नहीं आए हैं। हमको सब बहुत दुख है। बता दूं जो सबसे शर्मनाक और दुखद है कि इतनी बड़ी घटना जिससे पूरा देश सदमे में डूबा हुआ है, लेकिन इस पंचायत के जो जनप्रतिनिधि है उनके कानों तक जू भी नहीं रेंग रहा है। दो लोगों की मौत हो गई, एक बच्चा जख्मी है, लेकिन एक भी जनप्रतिनिधि इस गांव में उस पीड़ित परिवार से न तो मिलने आया है और न ही हालचाल जानने की कोशिश भी की है। बहुत दुख है इस बात का, बहुत अफसोस हो रहा है कि हमने कैसे लोगों को अपना जो है ना भविष्य दे दिया और अपने बच्चों का भविष्य दे दिया उसको, जो हमारे बच्चे के साथ इस तरीके से दुरुपयोग हो रहा है और हम लोगों की जाने जा रही है, लेकिन उन लोगों को मजे आ रहे हैं। और आज तक जो है ना हम लोग के पास झांकी मारने तक नहीं आए, न पूछताछ किया गया। जी जनप्रतिनिधि महोदय लोग सुन रहे हैं ना जनता की आवाज। ये सिर्फ जफीर साहब की आवाज नहीं है, ये इस मोहल्ले की हर एक जनता की आवाज है। आपके पास अफसोस की बात है कि हमारे लोकल जनप्रतिनिधि सब इस दुख की घड़ी में परिवार को सबर दिलाने के लिए भी नहीं पहुंचे हैं, तो बहुत अफसोस की बात है। और दोस्तों सलाम नमस्ते, मैं हूं टीपू टारजन और आप देख रहे हैं पुपी न्यूज। पुपी न्यूज में आप सबों का एक बार फिर से स्वागत है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ अनुमंडल मुख्यालय सिरसा के बिश्नाथपुर गाँव में, जहाँ पे अभी ट्रेन हादसे का शिकार हुआ एक खुशकिस्मत जो उसमें बच गया था वो अभी अभी पहुंचा है। हम अपने कैमरा पर्सन से चाहेंगे तो वो जरा इधर दिखाए। उसके पिताजी भी हैं जो अभी अभी अपने बेटे को यहाँ पर लेकर आए हैं। मैं आपको बता दूं कि उड़ीसा में हुए ट्रेन हादसे में लगभग 250 से 300 लोगों की जाने गई है, वहीं कुछ खुशकिस्मत लोग भी है जिनकी जाने बच गई है। उन्हीं एक खुशकिस्मत दीपक कुमार है जो बच गया था और इलाज के बाद उसके पिता उसको अभी लेकर यहाँ अपने गांव में पहुंचे हैं। आइए हम दीपक से बात करते हैं कि कैसे ट्रेन हादसा हुआ और हादसे के बाद क्या क्या इनके साथ हुआ है। क्या नाम है अपने आपका? दीपक। दीपक कैसे घटना हुई थी, कुछ है याद? हम लोग 6 बजे के करीब खाना पीना खाए और 6 बजे चुप सो गए खा पी के और 6:30 में ऐसे हो गया, पलट गया गाड़ी पलट गई थी। मैं आपको बता दूं कि इसी ट्रेन में इनके गांव के दो लोग और थे जिनकी मौत हो गई, एक ऋतुराज और दूसरा परमेश्वर मुखिया था जिसकी मौत हो गई थी। उन दोनों का शव यहां आ गया हुआ है और ये वो खुशकिस्मत बच्चा है जिसकी जान बच गई। उसके पिताजी भी यहां पे मौजूद है, हम उनसे भी बात करते हैं और जानते हैं वहां के हालात को। जी क्या नाम है आपका? रामप्रीत मुखिया। रामप्रीत जी आपका बेटा बच के आ गया है, क्या कहना चाहेंगे, क्या महसूस कर रहे हैं अभी आप? इसके लिए क्या कहेंगे सर कि बच के आ गए तो बढ़िया, इससे बढ़िया क्या बात, खुशी की बात है। वहीं आपके किस समाज के दो लोगों की जान भी चली गई? वो तो तकलीफ है सर। आप जब वहाँ पहुँचे तो ये कहाँ था दीपक? दीपक कटक अस्पताल पर था। अस्पताल में ठीक ठाक इलाज चल रहा था? इलाज बढ़िया चल रहा था सर। अच्छा वहाँ जब आप गए तो वहाँ कितने लोगों को आपने, कितने लोगों का शव देखा होगा लगभग इस अस्पताल के अंदर? 500 के करीब। 500 के करीब लोगों को। अच्छा इलाज में कितने लोग थे वहाँ पे? इलाज में डॉक्टर साहब नहीं, कितने लोग वहाँ पेशेंट मौजूद थे, कितने लोग जख्मी थे? जख्मी 50 से ऊपर 12 सा वाला में गए थे, छोटा सा वाला में तो हम अंदर गए नहीं। हाँ तो हाँ मतलब बहुत लोग थे। चलिए सर, इनका बेटा उस हादसे से बच कर आ गया, इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है। वहीं इस गांव में दुख का माहौल है क्योंकि इस गांव के दो लोग और जो उस ट्रेन में सफर कर रहे थे वो हादसे का शिकार हो गए। हम दीपक से जानते हैं कि उस हादसे के बाद इनको कुछ मुआवजे के तौर पे मिला है क्या? दिया है, चेक दिया है। चेक दिया है कितने का? 2 लाख का चेक। 2 लाख का चेक मिला है। खैर एक और बात मैं बता दूं जो सबसे शर्मनाक और दुखद है कि इतनी बड़ी घटना जिससे पूरा देश सदमे में डूबा हुआ है, लेकिन इस पंचायत के जो जनप्रतिनिधि है उनके कानों तक जू भी नहीं रेंग रहा है। दो लोगों की मौत हो गई, एक बच्चा जख्मी है, लेकिन एक भी जनप्रतिनिधि इस गांव में
उस पीड़ित परिवार से न तो मिलने आया है और न ही हालचाल जानने की कोशिश भी की है। आइए, यहाँ पे कुछ लोग मौजूद है, हम उनसे जानते हैं कि क्या मामला है। जी, क्या नाम है आपका? जी सर, मेरा नाम मोहम्मद जफीर है सर। जी, मैं वार्ड सदस्य 12 पंचायत से ही हूँ। अच्छा, 12 नंबर वार्ड के है। जी जी, यहाँ के मुखिया सरपंच? यहाँ के मुखिया परमेश्वर मुखिया जो अभी है वर्तमान में, वो अभी तक नहीं आया है। सीताराम महतो जो अभी सरपंच है वो भी नहीं आया, वो भी हमारे वर्तमान में है। अच्छा। जिला पार्षद विजय भाई वो भी नहीं आए हैं। पंचायत समिति वो भी नहीं आए। प्रमुख साहब जो नानपुर प्रखंड से है वो भी नहीं अभी तक आए हैं यहाँ पे। और मुकेश कुमार विधायक जो हमारे बाजपट्टी के हैं वो भी नहीं आए हैं। हमको सब बहुत दुख है इस बात का, बहुत अफसोस हो रहा है कि हमने कैसे लोगों को अपना जो है ना भविष्य दे दिया और अपने बच्चों का भविष्य दे दिया उसको, जो हमारे बच्चे के साथ इस तरीके से दुरुपयोग हो रहा है और हम लोगों की जाने जा रही है, लेकिन उन लोगों को मजे आ रहे हैं। और आज तक जो है ना हम लोग के पास झांकी मारने तक नहीं आए, न पूछताछ किया गया। जी, जनप्रतिनिधि महोदय लोग सुन रहे हैं ना जनता की आवाज। ये सिर्फ जफीर साहब की आवाज नहीं है, ये इस मोहल्ले की हर एक जनता की आवाज है आपके प्रति। आप यहाँ के जनप्रतिनिधिगण हैं, लेकिन आप लोग अब तक यहाँ पीड़ित परिवार से नहीं मिलने आए, ये बहुत ही शर्मनाक बात है। आइए, यहाँ पे कुछ लोग और भी हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। जी, क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत ही अफसोस की बात है कि हमारे लोकल जनप्रतिनिधि सब इस दुख की घड़ी में परिवार को सबर दिलाने के लिए भी नहीं पहुंचे हैं, तो बहुत अफसोस की बात है। और ताज्जुब या सबसे बड़ी अफसोस की बात भी है, ये केंद्र सरकार पे अफसोस है, लानत है कि इस रेलवे में कोई सेफ्टी नाम की चीज़ नहीं है। इतने पद खाली है जो रेलवे ट्रैक के जो सुरक्षा करते हैं, जो देखभाल करते हैं, उसमें लाखों पद खाली है और उसमें भरने का वो काम नहीं करते हैं और सब जनता को भगवान भरोसे छोड़ दिए हैं। बहुत शर्म की बात है। जी, तो आपने सुना, खैर यहाँ तो दुख का भी माहौल है और खुशी इस बात की है कि कम से कम एक बच्चे की जान उस हादसे में बच गई है। आप देख रहे हैं पुपरी न्यूज, पुपरी न्यूज को लाइक शेयर फॉलो करते रहें। पुपरी न्यूज, आपकी आवाज हर पल आपके साथ। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाएं ताकि पुपरी न्यूज की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। न डरेंगे न डराएंगे, केवल सच दिखाएंगे, न पक्ष न विपक्ष, बिल्कुल निष्पक्ष। और निष्पक्ष खबरों के लिए पुपरी न्यूज को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर फॉलो करते रहें। पुपरी न्यूज, आपकी आवाज हर पल आपके साथ। वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर कर दें। अपने ही शहर पुपरी में खुल गया गैलरी हाउस का दूसरा ब्रांच, गैलरी हाउस मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक शोरूम, जहां आपको मिलता है आपके मन पसंद का हर कंपनी का मोबाइल, हर कंपनी का इलेक्ट्रॉनिक का सारा सामान। जी हां, बजाज फाइनेंस, टीवीएस फाइनेंस, होम क्रेडिट, पैन लैब, डीएमआई कंपनी की तरफ से आपको मिलता है मात्र 0% ब्याज दर पर आसान किस्तों के साथ मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक का सारा सामान।